दिनांक 26 अप्रैल 2022 को झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के निर्देशानुसार पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष सह पश्चिम विधानसभा विधायक प्रतिनिधि अंसार खान के नेतृत्व में मांगो नगर निगम के विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय को 3 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। अंसार खान ने दीपक सहाय को बताया रोड नंबर 17 ग्रीन वैली क्रॉस रोड नंबर 4 उस्मानी गनी मस्जिद की गली में आज तक कोई रोड नहीं बना है। रोड न होने के कारण गली में पानी भर जाता है, जिससे मस्जिद में आने वालों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और वहां जो नाली है, नाली के ऊपर स्लिप लगाया जाए और उस गली में कहीं भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, वहां स्ट्रीट लाइट लगाया जाए। श्री दीपक साह ने आश्वासन दिया है जल्द से जल्द रोड बना दिया जाएगा। ज्ञापन सौंपने में मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद मेहताब, मोहम्मद उमर, मोहम्मद सईद, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद दिलशाद, मोहम्मद लियाकत अली आदि मौजूद थे। झारखंड प्रभारी रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के निर्देशानुसार हमारे मानगढ़ खेल के कार्यालय के जो विशेष पदाधिकारी हैं दीपक सहाय जी के पास आए हुए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा रोड नंबर 17 क्रॉस रोड नंबर 4 उस्मानिया गली मस्जिद पर अभी तक रोड नहीं बना हुआ है। जो उसकी चौड़ाई लगभग 9 फीट 145 फीट लंबाई है, जो अक्सर वहाँ पानी भरा रहता है, जो बुज़ुर्ग जो नमाज के लिए आते हैं अक्सर गिर जाते हैं। तो आज मुझे पास में रोड बनाने के लिए एक मनोरंजन दिया है और दीपक सहाय जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि हम कल वहाँ पर इनको भेज कर जो इंजीनियर हैं उसके नापी करा लेंगे और इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाएगा। मैं मौलाना अंसार खान पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी जिला उपाध्यक्ष और पश्चिम विधानसभा विधायक प्रतिनिधि अंसार खान जमशेदपुर झारखंड।